ऑस्टियोआर्थराइटिस हम उस चीज को बोलते हैं जिसमें जो हड्डियों के जोड़ जो होते हैं उनकी जो आपस में स्पेस हो जाती होती है वो कम हो जाती है, यानी उनकी जो नैरोइंग ऑफ द स्पेस ऑफ द ज्वाइंट, एंड विद द रिजल्ट उसमें आहिस्ता आहिस्ता एक डिजनरेशन आ जाती है, तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ एन आर्थराइटिस जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें जोड़ की जो स्पेस है नैरोइंग हो जाती है और डिजनरेटिव चेंज शुरू हो जाती है। काफी सारे ज्वाइंट्स जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस में इफेक्ट हो सकते हैं, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द ज्वाइंट कैन बी इन्वॉल्व, लेकिन ऐसा देखा गया है कि नी का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है बहुत कॉमन है, तो हम जो फोकस ज्यादा करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पे करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन है, तो क्योंकि उसमें काफी एक तो एक वेट बेरिंग ज्वाइंट है, नी जो है हमारा एक वेट बेरिंग ज्वाइंट है, जो पूरी बॉडी का जो एक एक्सिस ऑफ वेट होता है तो वो नी के थ्रू पास ऑन हो जाता है कि नी एक वेट बेरिंग ज्वाइंट है। तो साथ में जो लोग ओबीज होते हैं जिनका वेट ज्यादा होता है तो उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में होने के ज्यादा चांसेस होता है, वेयर एंड टेयर इसमें काफी हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये देखा गया है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बड़ा कॉमन है। पहले ये है कि आपको अपने आप को डायग्नोज कराना है, पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, तो उसके बाद फिजियोथेरापिस्ट की आप सलाह ले सकते हैं। पहले जरूरी है कि आप डिफरेंशियल्स में जाएं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है कि कोई और चीज है, कि आप डायरेक्टली अगर आपको नी में पेन शुरू हो गया तो आप फिजियोथेरापिस्ट के जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे कि आप बोलेंगे मुझे इसमें एक्सरसाइज करनी है, वो ठीक नहीं है। पहले आपको डिफरेंशियल्स कराने जरूरी है कि ये क्या है, क्या ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है कि कोई और भी चीज है, क्योंकि साथ में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, नी ज्वाइंट में काफी चीजें हो सकती है जिसकी जो सिमिलर होंगी, जैसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द होता है वैसे उसमें भी दर्द होता है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो पहले जरूरी ये है कि जब भी पेशेंट को चलने में डिफिकल्टी आए, सीढ़ियां चलने में डिफिकल्टी आए, पेन हो जाए, मूवमेंट्स में डिफिकल्टी आ जाए, तो उसको पहली फुर्सत में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के बाद उसको एक्सरे कराना चाहिए। अगर एक्सरे और जो रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस है वो सब पता चले कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो डॉक्टर की सलाह के बाद वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं डेफिनेटली, बट पहले जरूरी है कि वो डॉक्टरी सलाह ले और अपने आप का जो डायग्नोज है वो कंफर्म कराए। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत जरूरी है कि एक्सरसाइज इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि इस ये एक मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट अगर है तो वो है कि अगर आप ओबीज हैं तो आपको वेट रिडक्शन करनी है, अगर आप ओबीज नहीं भी है तब भी आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपका वेट ना बढ़े और आपको मेंटेन अपना वेट करना है। दूसरी अहम चीज ये है कि आपको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, जो क्वाड्रिसेप्स के टेंडन होते हैं उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत होती है, जो एक एक्सरसाइज रिजिमिन होती है, जो क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस बोलते हैं, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम बोलते हैं, वो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट सिखा देता है, और वो एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, तो उसी से जो आपके जो नी है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा और आपको जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की इलाज में आपको काफी फर्क आ जाएगा और इससे काफी इंप्रूवमेंट आपके नी की लाइफ में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में काफी फर्क आ जाएगा। ट्रीटमेंट का जहां तक सवाल है, कंप्लीट ट्रीटमेंट ये एक एज रिलेटेड फिनोमेना भी है, जो यूजुअली पोस्ट 45-50 की एज से यूजुअली शुरू हो जाता है, या पोस्ट मेनोपॉजल जो फीमेल्स होते हैं उनमें देखा गया कि हड्डियों की जो मतलब जो ताकत है या कैल्शियम डिपोजिशन है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से कम हो जाती है, तो उसकी जो इम्बैलेंस हो जाती है उसमें भी देखा गया है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कंप्लीट क्योर अगर की बात करें तो वैसा कोई एक सिंगल ट्रीटमेंट नहीं है कि जिससे हम बोले कि ये आपने ये कर दिया तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस से कंप्लीट राहत मिल सकती है, ऐसा नहीं है, एक लाइफस्टाइल डिजीज है, आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, अपने आपको उठने बैठने के तरीके को चेंज करना होगा, आपको जो है वॉशरूम जाने का जो तरीका है उसको बदलने की जरूरत है, हमें जो हम इंडियन स्टाइल ऑफ टॉयलेट्स यूज करते हैं, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपका वेट वजन ज्यादा है तो आपको जरूरी है कि आप वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, और साथ में जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइजेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेयर्स अगर आपको चलने में दुश्वारी आ सकती है वो आपको अवॉइड करनी है, आपको ग्राउंड फ्लोर यूज करना है अपने लिए, तो
तो अपने वजन को बिल्कुल मेंटेन करना है आपको, जितना हो सके उतना अपने वजन को कंट्रोल करना है। तो ओवरऑल ये बात मैं बता दूंगा कि ये एक ट्रीटेबल टू दिस एक्सटेंट इतना है कि एक आपको एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकते हो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और थोड़े बहुत मेडिकेशन से, बट एक कंप्लीट क्योर जिसको कहते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल। बट क्योंकि एक डिजनरेटिव एक प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव चेंज है जो आपको विद द एज बढ़ती जाती है। और ट्रीटमेंट्स के हवाले से आजकल जो एक नई चीज भी नहीं है, काफी टाइम से अब चल रहा है कि जो स्टेज फोर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जहां जो उस कंडीशन में होते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके भी, आप दवाई खा के भी, आप लोकल इंजेक्शंस करके भी आपके घुटने में प्रॉब्लम हो जाता है, आपका जो रूटीन लाइफ है वो बड़ा क्रिपलिंग टाइप का हो जाता है, आप चल नहीं पाते हैं, आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, आप अपने रूटीन लाइफ की एक्टिविटीज जो है वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उस सिलसिले में ये है कि आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाती है जिससे आपको काफी जो है राहत मिल जाती है, आपकी पेन तो कम से कम बिल्कुल ही चला जाता है ऑलमोस्ट, और आपकी जो मूवमेंट है वो कंफर्टेबल हो जाती है। तो जिन लोगों को नीज में ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में इतना ये हो जाता है कि वो बाकी जो तरीके इलाज में फेल हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेसमेंट का एक ऑप्शन है उस पर सोचना चाहिए। यूजुअली देखा गया है कि जो शुगर प्रेडोमिनेंटली शुगर शुगरी डाइट्स लेते हैं, जंक फूड्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, या ऐसे जो हम फास्ट फूड्स का कल्चर अब बन गया है, घर का खाना अब खाया नहीं जाता है, तो वो चीजें लोगों को चाहिए कि वो अपने जो हमारा ट्रेडिशनल खाने का तरीका था अपने घर से खाना, अगर आप ऑफिस में भी जाते हैं अगर आप खाना अपने घर से बना के ले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अपने किचन में भी थोड़ा सा काम करेंगे, वहां पे भी आप खाना बनाएंगे, फिर वो घर खाना बिल्कुल अच्छा खाना होगा, साफ सुथरा खाना होगा और लो कैलोरी खाना होगा, वो आप लेंगे बनस्पति ये कि आप ऑफिस जाते हैं, आप बाहर वाले किसी फास्ट फूड सेंटर में जाते हैं, वहां पे से खाना मंगाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, शुगर वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा खाते हैं, और मूवमेंट पर हमारी आज की इस लाइफ स्टाइल लाइफ में जहां आपकी गाड़ियां हमेशा अवेलेबल रहती है, आपको थोड़ी सी भी डिस्टेंस हो निकालनी हो तो आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीजों से हमारा वजन बढ़ता जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि एक हमारी एक्टिव लाइफ स्टाइल हो, हम चलने की आदत रखें, जैसे बचपन में हम खेला करते थे वो खेलने की आदत हमारी, यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये हो जाता है कि आप 40-50 की उम्र के हो गए तो आप समझते कि हम बूढ़े हो गए, ऐसी बात नहीं है, अभी 67-70 ईयर्स को भी यंग कहा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज में, तो ये कोई एज नहीं है, 50 ईयर्स इज यंग, यू आर यंग, यू हैव एनर्जेटिक, यू शुड मूव एंड यू शुड नेवर थिंक कि हमारी एज हो गई, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। सो क्योंकि आप 35-40 तो आप तो करियर्स में ही चला जाता है, पढ़ाई में ही चला जाता, तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय अवर लाइफ, बी एक्टिव इन योर लाइफ। तो अगर आप एक्टिविटी बढ़ाएंगे डेफिनेटली आपकी जो जोड़ों में भी जो आपकी ताकत है वो भी बढ़ जाएगी और एक्टिविटी उनकी भी बढ़ जाएगी, तो आपका जो ये है वो कम होता जाएगा इंशाल्लाह, आपकी जो डिजीज है वो डेफिनेटली आपको कम होती जाएगी।